बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, इस समय मौजूद हैं जिला गांदरबल के रेजिन इलाके में, जहां कल शाम एक आफत आई और आपको बता दें कि लैंडस्लाइडिंग हुई, यानी कि ज़मीन खिसकने का मामला था और जिसके बीच कई सारे मकान जो है वो उसके नीचे दब चुके हैं। और तस्वीरों में साफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से गरीब लोगों के ऊपर ये आफत आन पड़ी और उसके बीच देखते ही देखते पूरे मलबे के नीचे मकान सारे जो हैं दब गए। लेकिन वहाँ पर खुशकिस्मती ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ अगर बात करें लोगों के पास जितना भी माल इनका होता है वो पूरा जो है उसके नीचे जिंदा दब चुका है। लेकिन अभी फिलहाल ये नहीं बताया जा सकता कि कितने माल जो है कितना नुकसान हो चुका है। लेकिन हमारे साथ वही लोग मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, बात करना हम भी नहीं चाहते थे क्योंकि किस तरह से वो बात करेंगे, नुकसान जो है वो साफ आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देखते हैं आप, कितने गरीब लोग थे और कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल, ये गरीब लोग थे जी, जो इनका काफ़ी नुकसान हो गया है, माल जायदाद जो भी थी वो सब की सब नेस्त नबूद हो गई है। ये जो स्लेट आई है, ये मिट्टी की स्लेट आई है ऊपर से, और इसने पत्थर और दरख्त आकर वहाँ पर 8-9 मकान जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद ख़त्म कर दिए। उनमें जितना भी माल था, जायदाद थी, पैसे थे, नकदी थे, जिनसी थे, सब ख़त्म हो गई है। अलबत्ता इतना ही हुआ, जो जान बच गई है सब, यहाँ कोई ऐसी डेथ कोई नहीं हुई है, बाकी नुकसान का कोई अंदाज़ा नहीं है, करोड़ों के हिसाब यहाँ पर नुकसान हुआ है। लिहाजा इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को कि इतना नुकसान हुआ है, इनका कुछ बसने का या कुछ, अब इनका बसने का भी कुछ नहीं है, मकान शुकान सब ख़त्म हो गई है, इनका बसेरा का भी कुछ ख्याल करें। बाकी भी जो इनका है वो आपके सामने आपने वीडियो पर देख लिया है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इन लोगों को मदद होनी चाहिए और इनका रात बैठने का और कहीं रहने का कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। ये गवर्नमेंट से हमारी इस्तदा है कि मेहरबानी करके ये बात इनकी, इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ सहूलियत करें। तो बाकी सलाम वालेकुम। कितना नुकसान इनका हुआ है आपको लगता है? नुकसान का यहाँ करोड़ों में बात है, अंदाज़ा नहीं ला पाते हैं। यहाँ 6 महीने पहले टंडल वालों ने यहाँ कटिंग रोड की शुरू की, उस वास इस में पहाड़ी में पीछे खाई आ गई, हम लोगों ने रोड पर पोटेशन किया, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की जी हमें कोई सेफ जगह दिया जाए। इन टनल वालों ने उस खाई में लेकर को खुशक सीमेंट डाल दी, खुशक सीमेंट डालने ने इन्होंने कहा भाई अभी इन लोगों को सेफ कोई खतरा नहीं है, हमारे पास इंजीनियरी है। रात 7 बजे ये मलबा अचानक हुआ, अंधेरा हो चुका था, खाली जान लोगों की बची है, शुक्र अल्लाह का कोई आदमी आया नहीं है, वरना इस टाइम तक क्या पता यहाँ क्या कहर और मचा था। यहाँ जो नुकसान हुआ है कम से कम 10-15-20 दुकानें ही हैं, मकानों की तो बात ही नहीं है। जिस टाइम ये मलबा हटाया जाएगा फिर पता चलेगा यहाँ क्या है, अभी कोई समझ ही नहीं यहाँ कोई बस्ती रही है या नहीं, ये बस्ती सदियों से बस रही थी। देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया के थ्रू ये ऐसे कामें जो हैं वो उजागर होती हैं, ऐसी मुसीबतें। तो रहा यहाँ का सवाल, यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा है कि अब दिल रंजीदा है हमारा भी, क्योंकि कल 6:25 जब ये आफत आई उसने रहा, ये जो एक मोहल्ला यहाँ पर था रजन, छोटा रजन था इस साइड में नेशनल हाईवे के ऊपर, ये अब नहीं है, ये नहीं रहा, ऐसा हम कह सकते हैं कि ये अब नहीं रहा। अब यही खुदा से दुआ है कि इनको वो गरीबी मदद करे और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है, हमें पूरी उम्मीद है हम कि एडमिनिस्ट्रेशन इनके जो इस वक्त दुख है उसके साथ भी है और इनका भरपूर ताउन करेगी, इनकी मदद करेगी। और साथ साथ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से गुजारिश करता हूं कि जितना मुमकिन हो सके यहां तक पहुंच जाए कि इनकी डार्स बंधाए। इस वक्त ये देखिए, आप अभी मुझे ये कह रहा था कि इससे पहले कि यहां की जो लोग हैं, मैं डरता हूं उनसे कुछ कहने की क्योंकि उनकी आंखों में सिर्फ आंसू हैं और बात भी नहीं कर सकते, इसलिए आपने मुझे मुखातिबों के कहा कि शबीर साहब आप कुछ कहो क्योंकि आपके इलाके के जो लोग हैं इनके साथ आप वाबस्ता हो और इस इलाके में आप रहते हो, ये खुदा का करना है, खुदा का कहर होता है, लेकिन अब हमें इस गड्डी में इनका साथ देना है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है कि भरपूर इनका मदद किया जाए और ख़ासकर जो यहाँ पर ये बस्ती चली गई है इनके लिए एक प्लाट मिलना चाहिए, एक बड़ा सा प्लाट जहाँ पर ये फिर बस जाए। और अपने लोग जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के या और साइड के भी जो होंगे इनसे भी गुजारिश है कि अगर हो सके तो इनके यहाँ मदद की जाए। और इस वक्त तो हम ये मदद करने के लिए तैयार है कि जो मलबा है किसी जगह, बाकी मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता हूँ कि मुझे बात भी करना नहीं आता है और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ। एक बार फिर मैं अल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि खुदा करे कि इनको भरपूर ताउन करे, अल्लाह ताला गैबी मदद करे और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है कि इनकी भरपूर मदद की जाए।
जी नाज़रीन, बिल्कुल अगर आपको बता दें तो जिस तरह से जो है ये लैंडस्लाइड आया है, काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड है, लेकिन बिल्कुल इनका कहना सही है कि अभी तो कोई पता नहीं है कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जब ये उठाएंगे, मलबा उठाएंगे, उसके नीचे से क्या कुछ निकलेगा तब पता चलेगा नुकसान कितना हुआ है। लेकिन अभी जो बेघर लोग हो चुके हैं, जो अभी घर, जिनका घर नहीं है, फिलहाल हम उम्मीद करें कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा कदम उठाए ताकि जो लोग बेघर हुए हैं उनको फिलहाल रात के लिए जो छत का इंतज़ाम है वो किया जाए। लेकिन उसके अलावा मैं आम पब्लिक से भी गुजारिश करना चाहता हूं, जितने भी जम्मू कश्मीर की आवाम है या ज़िला गांधरबल की आवाम है, जिन लोगों को अल्लाह ने दिया हुआ है वो लोग यहाँ तक पहुँचे, इन लोगों को जिस तरह की भी मदद आप करना चाहें लोगों की मदद करें, क्योंकि इंसानी फ़र्ज़ है, हमारा इंसानियत का फ़र्ज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह क्या कुछ करती है वो भी ठीक है, लेकिन उसके साथ इंसानी फ़र्ज़ के नाते आज इन लोगों पे ये मुसीबत आई है, कल कहीं और भी आ सकती है, लेकिन हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इन मुसीबत ज़्यादा लोगों की इस समय मदद की, चाहे चाहे वो किसी भी तरह की आप मदद करें, लेकिन यहाँ तक ज़रूर पहुँचें। ये लोग इस समय मुसीबत ज़्यादा हैं और इनके पास इस समय रहने के लिए भी कुछ नहीं है, खाने पीने की तो बात नहीं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से, आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग जो हैं इस समय, जो इनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं, एक दूसरे के साथ दुख मिटाने की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन दुख तो तब ही मिटेगा जब इन्हें रात की छत मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल जहाँ पर ये स्लाइड आई है यहाँ पर दोबारा कंस्ट्रक्शन करने का तो सवाल ही नहीं बनता, लेकिन उम्मीद करते हैं जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें कहीं पर ऐसी जगह दी जाए जहाँ पर ये लोग दोबारा से अपने मकान बनाए और दोबारा से अपना बसेरा कर सके। जिनाज़रीन, आपको बता दें कि यहाँ पर मौके पर इस समय BDC कंगन और BDC गुंड दोनों यहां पर मौजूद हैं और यहां पर जायज़ा लेने के लिए आए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल की अगर बात करें जिस तरह से यहां पर मलबे के नीचे मकान दब चुके हैं, यहां पर खुशकिस्मती ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल की अगर बात करें तो उसकी कोई भी यहां पर नुकसान की तुलना नहीं लगा सकते, क्योंकि जो लोग यहाँ से भाग कर, सिर्फ उन्होंने जूते भी नहीं पहने, नंगे पाँव सिर्फ अपनी जान बचाई है, बाकी जितना उनका माल था वो इसके नीचे दब चुका है। मज़ीद इनसे ही जानेंगे कि BDC मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं हमारे साथ और उनसे ही जानेंगे कि आखिर किस तरह का नुकसान हुआ है, और हमने देखा कि जितने भी लोग हैं वो गरीब हैं और इस समय बाहर बिल्कुल चला रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह की मदद आने वाले टाइम में होनी चाहिए? देखिए, ये तो जैसे अल्लाह ताला का कहर है, इस पर बहुत दुख हुआ देख कर, बिल्कुल कोई नहीं ये कि जिसका जिगर जल नहीं रहा है, लेकिन अब पहले तो हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, लेकिन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे उम्मीद है कि वो सभी लोग आए हैं, DC साहब भी आ रहे हैं, अभी मेरी बात उनसे हुई, तो मुझे उम्मीद है कि जो नुकसान है उसकी तो तलाफ़ी हो नहीं सकती है, लेकिन फिर भी हम अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये पुरजोर अपील करेंगे कि इन गरीब लोगों को फ़िलहाल रहने के लिए, इनके आगे चलने के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया जाए। बड़ी साहब, अगर बात करेंगे जिस तरह से लोग अभी बाहर हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम सब लोग उनके साथ बैठ जाएं, जब तक उन्हें छत ना मिले, जब तक उन्हें यहाँ पर कोई राहत ना मिले, तब तक उनके साथ बैठा जाए, उनके दुख में शरीक हो जाए। बिल्कुल सही है, हम तब तक, हम भी यही चाहते हैं कि जब तक इन लोगों को कोई राहत की सांस नहीं मिलती, जब तक इनका कोई मुतबादल इंतज़ाम ना किया जाए, तब तक मुझे लगता है कि हम लोगों का भी घर जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। शुक्रिया जी नाज़रीन, हमारे साथ BDC कंगन है मोहम्मद यूसुफ असवाल साहब, और वो भी यहाँ तक आए हैं और जिस तरह से उन्होंने देखा नुकसान जिस तरह हुआ है, और आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर मकान हुआ करता था, अभी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर मकान हुआ करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल मलबा का ढेर है। जी यूसुफ साहब, आँखें नम है साहब की, लोग मुसीबत में हैं, तो किस तरह से देखते हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर किसी का आशियाना बिगड़ उजड़ जाए तो वही जानता है, उसी को पता चलता है कि मैं, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई इसी में चली गई, ये वही लोग जानते हैं जिनका नुकसान हुआ है। तो हमें सिर्फ, हम सिर्फ इनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं, बाकी हमारे से क्या हो सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी, उनको पुरजोर अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इन लोगों का ख्याल रखें और इनको अच्छी तरीके से फिर बसाया जाए, ताकि इनका ये, इनका दर्द जो है ये तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी लगा दी और फिर उसको लास्ट पे जूते भी नसीब ना हो भागने के लिए, तो वो ही जानता है, उसी का दिल कहता होगा कि क्या हो गया मेरे उजड़े हुए इस चमन के साथ।
सब जिस तरह से देखते हैं नुकसान है जिस तरह से, और दुख की इस घड़ी में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और लोग अभी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, और रोने के सिवा उनके पास अभी है भी नहीं कुछ। तो क्या लगता है आपको, जब तक यहाँ उनके पास थोड़ी सी राहत न मिले, क्या उनको इसी तरह दुखी छोड़कर हम यहाँ से जा सकते हैं? नहीं, मुझे उम्मीद है हमारे जो DC साहब हैं या बाकी जितने भी हमारे ऑफिसर साहिबान हैं यहाँ काम करने वाले हैं, दिल में दर्द रखने वाले हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि हमें यहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा, वो हमारे से ज़्यादा काम करेंगे। और मैं हमारी भी ये है उनसे अपील है कि आप मेहरबानी करके आएँ और देखें कि क्या क्या हो रहा है। यूसुफ साहब, अगर बात करेंगे जिस तरह से नुकसान हुआ है, तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग उनसे क्या अपील करेंगे, क्योंकि यहाँ इंसानियत का भी एक फ़र्ज़ बनता है? मैं अपने जम्मू कश्मीर के सारी आवाम से अपील करता हूँ कि हम सब मिलके इन लोगों का हाथ बटाएं। शुक्रिया जी। नाज़रीन, अगर बात करें कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की, और कल शाम से ही जिस तरह से ये आफत आई है, और उसके बाद पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सतर्क हो गई, और उसके बाद जितनी टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी थी, लेकिन ये जो स्लाइड का मामला था, ये लगातार स्लाइड होती जा रही थी। और उस बीच जब हमने तहसीलदार गुंड से भी बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि स्लाइड लगातार है, लेकिन खुशकिस्मती है कि लोग जो है वो बाहर निकल चुके हैं, और जो भी है जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। और इस बीच लोगों की सेफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कल शाम से ही जितनी भी पार्टियाँ वो लगी हुई थी, ताकि लोगों को कोई जानी नुकसान ना हो। लेकिन लोगों का आखिर जो है उनका क्या होगा, अभी सवाल यही पैदा होता है कि जो लोग बेघर हो चुके हैं उनका क्या होगा, जो नुकसान हो चुका है उसका क्या होगा। और यही उम्मीद लेकर यहाँ पर BDC साहब और DD गुंड जो है और कंगन दोनों ने यही उम्मीद लगाई है कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों के लिए काम करेगी, और जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसकी भी सराहना करते हैं, और आने वाले समय भी इन लोगों को राहत देखने को मिलेगी। आप सब यहाँ पर हमारे यहाँ पर जहाँ पे कल मल्टीस्लाइड आया था रात को, उसका हम लोगों ने निरीक्षण SSP साहब के साथ भी किया है, और इसके अंदर लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ 4-5 फैमिली हैं, और उसके अलावा कुछ काउ शेड है, कुछ माल मवेशी भी है, उन सब का हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। इमीडिएट रिलीफ सभी लोगों को दिया गया है, इसके अलावा भी जिनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी नोट किया जा रहा है। उन सभी रिक्वायरमेंट्स को हम लोग जल्दी से जल्दी मीटअप करेंगे, और ये इंसिडेंट्स ऐसा ना हो दोबारा, और इस इंसिडेंट्स के पीछे भी क्या कारण रहे हैं उसकी भी हम लोग इंक्वायरी करेंगे। जी सर, जैसे अगर हम देखें करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए क्या कुछ कर रही है, और आने वाले वक्त में क्या? एडमिनिस्ट्रेशन अभी से हमारी, कल हमने इमीडिएट रिलीफ इन सबको दे दिया था, और आज भी हम लोग कुछ इमीडिएट रिलीफ देंगे इनको। उसके अलावा हमारा जो भी इनका असेसमेंट हो रहा है वो असेसमेंट हम लोग करके जल्दी से जल्दी, रोड क्लियरेंस का काम अभी शुरू नहीं हुआ तो कितने समय में रोड क्लियरेंस का काम भी हम लोग अभी जल्दी से शुरू करवा के, हमको क्योंकि ये नेशनल हाईवे भी की इंपॉर्टेंस का भी है, इसलिए हम लोग इसको भी जल्दी से क्लियर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।